तुम बैठी कहाँ, यू बताए के बारे बैठो तो कहाँ जीजा बैठो इपर बैठो। तुम बैठो हम बैठ बहन जैसे उनके बहन हुई। ए बाजा ए मास्टर घर में सिखियो जाए ये नहीं का ये तो 5 साल तेरे सीख रहे हैं। ये ब्रजवासी है ना खिया रहा था नहीं हाँ ये तो ब्रजवासी ने खिया रहा लगा खिया रहा लगा हाँ अच्छा ब्रजवासी ने खिया रहा लगा अच्छा बैठो ये पर बैठो। अरे वाह बताई थे अजान्यो तुम चिंता ना करो कि कहे मतलब जैसे वही तुम्हार जीजा वैसे हम जीजा तुम्हार जैसे तुम्हार प्रकाश जीजा वैसे हम जीजा तुम्हार अली नगर हाँ जौनपुर में हाँ हाँ यह बात सही के तब 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 जीजा तुम्हार पुतना हुई है वही जौनपुर में रहा तुमने हुआ रहा चले आ रहे हैं अच्छा औ औ औ पुतन हाँ बड़ा सा झटकोद मिया ही के यह चो मुसलमान करना चाहिए चलती है। हाँ सही ओके तो का छोड़ो वो तुम्हारे घर मान चलो गांव घर के हुई के तो के मतलब तुम्हारे जीजा रामो सेवक भय जौनपुर वाले हाँ यह बात सही हाँ यह बात सही अच्छा सुनो जीजा दद्दू हमका बताई नहीं जाओ जीजा का स्वागत करो पानी पत्ता करो सुनो तो बैठा होता अब भाई तुम जनहे ना पाए हो पानी पत्तक मतलब का होते और तुम कांड उठाए हो भागी जी हो तुम पानी पत्तक मतलब समझ ही पाए हत्ती फालतू हमार नाई है चौनी चीज तुम नाव ले रहे हो हम तो देखो हमारे जी हमारे जो दद्दू हैं हमारे दद्दू कहीं रहन जाओ तले हमारे बहनोई साहब आए हैं उनका पानी पत्ता कराओ जाए और तुम जैसे हम नाव लेते हैं पानी पत्ता करे बने के जैसे तुम कान उठा भाग लेते हो लगी पर जानी डारी लगी तन जानी डारी भैया का पानी पानी यहुले पानी का पत्ता जीजा का यहु है सत्ता लड्डू का यहु है सत्ता यहुले तुम पानी पत्ता बताओ तुम बदतमीजी इनके साथ में कर रहे थे दद्दू हाँ हाँ बताओ यू भैया यू अंटू संटू बक कई हमते जाए तू याक बात यू बताओ पहले नाते का बदतमीजी की जाते कहा है बताना ही बात तो ना कह जाए तुम्हारी गाड़ी फाट जाए कुछ तुमका पानी पत्ता कराई थी दद्दू ए दद्दू तुमने पानी पत्ता नहीं कराया दद्दू यहुले पानी यहुले क्या कर रहे हो ये क्या कर रहे हो बताओ पानी पानी छिड़क रहे हो कि पिलाया जाता है जीजा अरे हिया हिया अरे पानी पत्ता
तुमसे ये कहा था पानी पिलाओ जीजा। और दोना दोना वोना कुछ लाए थे दद्दू? तुम कहे परेशान हो? आप बतायो कि जाओ हमार बहनोई आए तो हम कहा तुम्हार बहनोई तो हमार बहनोई, तुम्हार जीजा तो हमार जीजा। सही बात है। तो हम तो यू बताओ पहले ये पानी से स्वागत कर रहे हो? नहीं, आप कहे हो कि जाओ उनका तले पानी पत्ता कराओ। अरे ये बदतमीज कहावत कही जाती है कि पानी पत्ता कराओ आके। तो यू पानी यू पत्ता ले जीजा। अरे नहीं ए नत्ता ही आओ 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 आओ। अरे आओ तो अरे हियाओ 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 हम बताए हियाओ। चलो ठीक है कोई बात के यहाँ बुरा न मानो ठीक, थोड़ा ये हाफ माइंड है। अच्छा कुदिमा क्या कर रहा? हाँ थोड़ा की चूड़ी कम है की ठीक है तो इसलिए ये नालायकी कभी कभी कर देता है। अच्छा और हाल चाल यू बताओ। अरे कब चले रहा हो दादा? क्या बताए पैदरे हुए थे हम निकल रहे हैं, गाड़ी वाड़ी मिलती नहीं चलते। हाँ 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 कोई वाहन नहीं मिले रहे जी। आ सुनो अरे हिया आओ दद्दू। अब है कहो जी जाए जाए। अरे बुलाओ तो कैसे हो ये जाए फिर भाई बात यार का बतानी दे रहे हो। अरे नातेदार तुम वैसे सनकी टाइप क्या रहे? आए ना भाई हमका लागे तुम सनकी टाइप क्या रहो? सनकी हाँ अंत पंत हाथ पास है सनकी। अरे तो हमसे बतावा करो कोई बदतमीजी करे तो हमते बताओ का बदतमीजी की हिस्सी। हाँ तुम होते बतावा लगा यू कर रहा तुम हो शुरू करो का यार बताई नातेदार एक तो पहली बात बहुत बात आए हो यहाँ ससुराल में होते ना यहाँ से कुछ नहीं हो तुम ये सब्जी ससुराल में यहाँ होते गए हो कोई दिन ससुराल। अरे यू नहीं सुनो मान लो बता कोई शरारत कह दे तो यहाँ मन वो नहीं माना जाते हैं। हाँ यू बताओ पहले देखो पीछे ना हाथ लगायो नहीं कबहू जी जगने लगा पीछे। हाँ हाँ पीछे पीछे वाली बात शरारत ना के मजाक दंतु कबहू नहीं लगा मजाक देखो जो जो कुछ कहो तो दूर तक कहो जी इधर सुनो रुक जाओ रुक जाओ ठहर रहे हो रुके रहे हो हाँ ठीक आराम से लाओ जीजा तुमते कोई हम बदतमीजी करी भैया हम तुम हमते तुमते हम छुआटा ही नहीं। अरे छुआटा तुम आराम तेरे सुनो तुम कोई बदतमीजी करी तुम हमरे मार दे हो। अरे हिया झोरा जब तो ना हिया हिया अरे हिया तो वही हो अरे हिया आओ नातेदार। ओहो तुम बहुत घबराते हो इसका मतलब ओहो यहाँ आओ तो यहाँ आओ। अरे नौकर जाओ वो कुर्सी उठा के लाओ। हुआ भैया आज हम जाना ससुराल में यह खातिर होते हैं महंगी पड़ते है इस बार न और जिनका आदत पड़ी उनका भैया नीक लागे। अरे नातेदार कह अच्छा तुम्हारा सार बड़े है निर्मोही तुमका जीजा कौदा नहीं कहीं नहीं तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारे इनके जीजा रहे। अरे नातेदार ऐसे ना बैठो जैसे बैठा जाते ऐसे बैठो कैसे इसका मतलब कुर्सी कुर्सी ना ही कहा हुआ भैया हमने हथियार दिए कहा हुआ मचिया है अड़ुआ है तो और हाल चाल हमका बताओ फिर वाह क्या बताओ जगतगंज क्या है। अरे भैया अब क्या बताए
बताओ तो परवाह करी मुसीबत मारे हम हुआ। हाँ हाँ यू बताओ, बहुत दिन बाद आयो, मान लो हाल चाल बताओ हुआ क्या रे? भैया हम मन में सोचे ना ई बिलवासी के हाथ में बंद कह दियो हम का कहे पर जाए कुछ। अरे नहीं कोई बात नहीं, चिंता ई पिछवाड़े है तुम्हारे रहते हैं? अरे पिछवाड़े नहीं रहते हैं, मतलब यू साइड साइड में रहते हैं। अच्छा तो ऐसे भैया जब ते भैया खत्म हो गए रहे हैं हाँ हाँ और वहाँ फिर भैया वो जौन भतीज हम रहा वो 2 साल क्या रहा है तो भौजी अपन लेके तुम्हारे यहाँ चली गए। हाँ 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 तो इतने दिन हो गए तो हम कहना भैया सयान हो गया हो और हमारे यहाँ हुई लौंडाई बड़ा जगुआ कह रहे हैं राजू हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा अरे वही जगुआ का बताए भैया अगर पुत्र हो सपुत्र हो मर जाए गर्भई में जो ऐसा कपुत्र हो दारू पीते है जुआ खेलते है सिटिया बाजी करते। अरे कहाँ तक बताए वो सारे रंडे लिखिया लगे जाए जा। नाक कटाए घूमते है अब बताओ। तो हम कहा तू सारे बेंच खोज गए तो हम कहा चले भैया के यहाँ देखिए जाए वही का। अच्छा माधवराम के यहाँ? हाँ तो ले आए जाए। अरे माधवराम देखो ऐसा है हाँ। कि माधवराम अपनी मर्जी से हम तो रोक नहीं सकते हैं लेकिन माधवराम अगर चाहेगा तो अपने घर जा सकता है लेकिन उसको हम पाल पोस रहे हैं। हाँ भैया ये तो जनते हाँ, हाँ, सयाना हो गया है। अच्छा और शादी बारात उसकी कर दी हमने का ब्याह था ना का नातेदारी तो टूटे चुकी है अब अरे लेकिन अब जो आए गए तो नातेदारी जुड़ी गई आए तो। यार भैया हम तो कभी नहीं मानन भैया नहीं है जैसे तो हमारे खून क्या रे तो हमारे वंश क्या तो है। हाँ, हाँ, तो, तो हम कहने अब वही का घर ले जाए के यहाँ जो कुछ है तो वही क्या तो हिस्सा आधा है। हाँ, या तो बात सही एक हमारे है एक भैया के रे है तो हम कहने वही का हिस्सा तो भैया बराबर है। सही बात सही बात तब है। अच्छा एक काम करो फिर आओ चलो माधवराम को मिलाई चले आओ चलो पूरे नौकर बेइज्जती कराओ बेइज्जती ना कराओ काहे काहे। अरे एक जूता या चप्पल जूता चप्पल उठाओ उठाओ चलो बैठा रहा है अंदर। हाँ कमरा में है चलो चलो एक बात तुमने बताई बताओ ये तुम्हारे जीजा हार दिया कुत्ते पर हाँ बात सही घर में धर दे तो राजू बेच ले एक बात सुनो तो तुम्हारे मेहरुआ मर गई जैसे तो लड़का बच्चा पैदा कर अपने पैदा कर लो एक तो है चलो अच्छा है नातेदार चलो अंदर चलो आओ राम शरण का राम शरण की ससुराल थी मगर राम शरण एक्सपायर हो गया उसका छोटा भाई रामचरण वो अपने भतीजे को लेने गया था किसके वास्ते कि उसका एक लड़का है जिसका नाम है राजू और राजू इतनी दारू पीता है गुंडाई करता है दोस्तों क्या बताएं अग्रिम समाचार के आ गया तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा मगर नहीं जाता है आइएगा दोस्तों आगे क्या होता है। अरे मिले जो तेरे नैना हमारे नैनो से मिले जो तेरे नैना। देखो आप इनका आराम तेरे खिला पिला के अंदर से लाए हैं ठीक लड़का उन्होंने बुलाया देख लिया कट्टा बड़ा होगा अरे
पढ़ते कह देना कि तुम्हारे चाचा आए हैं जगतगंज। ठीक क्या बता जाओ हम बुला ले। अरे भैया माधव। अरे कौन है भैया? ओ भैया साधव। अरे क्या बात है? अरे तुम्हारे चाचा आए हैं। क्या हमारे चाचा जी आए हैं? जी यार चाचा से कह दो इस समय हम खेत में पानी लगा रहे हैं इंजन चला के। ठीक कोई बात नहीं रह दो रह दो। लड्डू गन्ना में है पानी लाग है उघावा काटे बैठ है। हाँ ख्याल ये कह दो जा करके कि खेत में पानी लगाना छोड़ दें क्योंकि चाचा ज्यादा दिन रुकेंगे नहीं यहाँ। ठीक ठीक जाओ। अरे भैया माधव ऐसा है क्या तुम यहाँ हवा काट दो नहर के पानी है चले दो जले नहर आवत रही तले गन्ना बूढ़ जाई और तले अपने चाचा से मुलाकात कर लो उसके बाद में यहाँ चला जाई। यदि ये बात है तो मैं आ रहा हूँ। आओ दादू। अरे भांजे माधव। मामा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते बोलो। अरे बुलवाए किस वास्ते मामा तुम्हे बताऊंगा। मैं जानना चाहता हूँ। देखो भांजे माधो जी इसलिए बुलवाया है और जगतगंज से आए मामा बेटा। ए भांजे माधो देखो ये तुम्हारे चाचा आए हुए हैं क्योंकि तुम्हें ये मालूम होना चाहिए बचपन में तुम्हारी माता हमारी बहन तुम्हें लेकर के आई थी हमारे पास कोई जब सहारा वहां नहीं रहा तब से हम लालन पालन करते रहे तो इनका ये मालूम हुआ कि हमारा भतीजा जौनपुर में है चल के हम मिल आए तो आज आपस में देखो क्या बातचीत कहना चाहते बातचीत कर लीजिए। धन्यवाद। या मेरे पर मालिक कैसे पैसे कैसे बदनसीब किस्मत आज अपने याददाश्त अर्थात जिंदगानी के सर्वप्रथम अपने चाचा से मुलाकात कर रहा हूँ। चाचा
ये भगवान में क्या देख रहा हूं, जब माता को देखता हूं तो भैया की याद आ जाती है। आज के दिन अगर भैया होते तो क्या खुशियां होती। चाचा बेटा, चाचा चाचा, चाचा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। और चरण चुभता हूँ मैं चाचा जानना चाहता हूँ। बोलो। क्योंकि ये सब कुछ मुझे तो नहीं मालूम था, आप मेरे चाचा हैं। हाँ, कभी करार हमारे मामा जी बताया करते थे कि भांजे तुम्हारे चाचा अभी जिंदा हैं, शायद किसी ना किसी दिन तुम्हारे चाचा से मुलाकात हो सकती है। मुलाकात तो हो गई, खैर ये बताओ अपना परिवार अच्छा है? भैया परिवार जितना अच्छा है तो हम जानते हैं। क्या? लेकिन मैंने सोचा कि भैया को यहाँ ले आऊंगा, उसकी जमीन उसको दे दूंगा। ठीक है चाचा, तुम्हारे सिद्धार्थ बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं मेन बात ये जानना चाहता हूँ। क्या? आखिर इतने परिश्रम करने के पश्चात जौनपुर में आए हुए हो। हाँ, तो आपकी रिक्वेस्ट क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं? हम आपको लेने के लिए आए। क्या मुझे लेने? घर चलो और अपना घर संभालो, अपना खेत बाड़ सब संभालो। दुनिया वाले यही कहेंगे एक भतीजा था, वो अपनी खेती रामचरण ने अपने लड़के के नाम सब कर दिया। भैया हम ये नहीं सोचते हैं, हम यही सोचते हैं अपना घर बार संभालो, तुम्हारा हिस्सा तो वहाँ है। चाचा बेटा, हम तुम्हारी हकीकत को समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए बाले पानी से लगाकर जवा अर्थात व्याहित भी हम हो गए, वो भी अपने मामा के द्वारा। हम बिना मामा की आज्ञा से ये नहीं कह सकते कि चाचा हम तुम्हारे साथ जगतगन चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप बैठो, हम अपने मामा से पूछ लेता हूं, उसके बाद में आपको बताएंगे। हाँ भांजे माधो, बताओ। मामा। हाँ बोलो। ये हमारे चाचा अब मुझे ले जाने को लिए कह रहे थे। देखो माधो,
हम ये तो रोक सकते नहीं हैं क्योंकि वहां भी घर है और यहां आपका पाल पोषण हुआ है, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं जाओ अथवा ना जाओ। ठीक है बाबा, ये तो हम कह ही नहीं सकते। लेकिन मैं भी बिना आपकी मर्जी से कैसे चाचा से कह सकता हूँ कि चाचा हम तुम्हारे साथ जगतगंज चलने के लिए तैयार हो सकता हूँ। ठीक है मामा, हम अपने चाचा से ये कह देता हूँ कि चाचा आज तुम जगतगंज वापस चले जाओ, मैं कुछ सोच और समझ कर फिर किसी दिन आएंगे। हाँ हाँ हाँ, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी राय हो। ठीक है बाबा, आप आपके ऊपर निर्भर है, हम चाचा से पूछ। हाँ हाँ, पूछ लो। तुम्हारे कहने का मतलब तुम मुझे अपने साथ ले चलना चाहते हो? हाँ भैया। ठीक है, आज तो हम नहीं चल सकते हैं, हम किसी ना किसी दिन आएंगे। किसी दिन? अरे हम तो सोचते थे जा रहे हैं उधर से भैया को भी साथ में लाएंगे। नहीं चाचा, इस समय नहीं चल सकता क्योंकि हमारे मामू के पास बहुत बड़े कारोबार हैं, बहुत बड़ी जमीन है, बहुत बड़ी खेती होती है। इस समय अगर अपने मामा को अधूरा छोड़ दूंगा तो हमारे मामा की आत्मा क्या कहेगी, इसलिए आज नहीं। नहीं, हम ये नहीं कहते। वो बचपन से तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया। हाँ, अगर इंसान पालता है किस लिए? अपने जीवन रक्षा के लिए। हेलो, तो किसी दिन वो बच्चा बड़ा होगा, मेरे जिंदगी का सहारा होगा। ठीक कहते हो बाबा। जो आशा हम लगाए हैं वही आशा तुम्हारे मामा भी तो तुम्हारे पर लगाए होंगे। हाँ वही बात तो है। वाह चाचा, आपने क्या सुंदर बात तुम अपने भतीजे को सुनाई। हम आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। और जो चाचा बात फरमाई मेरे चाचा, और जो तुमने बात फरमाई मेरे दिल में वापस चले जाए और हम किसी ना किसी दिन जरूर आएंगे। जैसी आपकी मर्जी। ठीक है मामू, मैंने चाचा से बता चुका हूँ आज हम आपके साथ नहीं चल सकते हैं। अच्छा, हम चलते खेत में पानी चल रहा है। नातेदार। हाँ, हो सके देख दो दिन और रुक लो। ऐसा है, वह घर अगर जाएंगे नहीं तो सब बिगड़ जाएगा। तो ठीक है, आपको अगर जाने हैं तो हम स्टेशन तक भिजवा देंगे। हाँ, अपनी गाड़ी से। ठीक। अरे नौकर, ए नौकर, हमारे नातेदार को स्टेशन तक गाड़ी ब्लॉक में बैठा के छोड़े आओ। हाँ हाँ, जाओ। हाँ हाँ, ठीक। तू क्या बात, गाड़ी में बैठा दी चले। हाँ हाँ, ट्रेन में बैठा देना। जा दद्दू, हम इनका यही जा रहे हैं। हाँ हाँ, तू जा, हम जा।